इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्मा, आज हम सब मालिक के श्री चरणों में अनंत पर्वत पे हैं। हमारी माता जी, कांता जी, अंकल जी उनके घर में बैठे हुए हैं। ये लोग कुछ भी करते रहे, नाम माँ बाप का ही चलेगा। प्यारे, आज दो बातें हैं, खुशी भी है, गमी भी है। गमी वाला दिन कल निकल गया। कल हमारे अंकल जी का दिन था सालाना। अभी हम नीचे भाई से पूछ रहे थे कि कितने साल हो गए, कहते 96 में गए थे। वक्त कैसे उड़ता चला जाता है, कुछ कह नहीं सकते, है ना। याद आता है जिस मकान में वो वाली भाभी अब रहते हैं, 16 नंबर में, वहाँ पे मम्मी पापा दोनों ने एक बार बुलाया था। पहली बार का सत्संग की शुरुआत मेरी इन्हीं के घर से हुई थी, उस वाले मकान में से। जैसे ही जो है बुलाए तो अंकल जी भी कहने लग गए, भाई जी हूं ना गोडे गाडे नहीं चलते। और मेरी माँ भी, मेरे मुंह से ये निकल गया, मैंने कहा अंकल जी हाले तो तुम्हारे जवानी के दिन ने, जो मेरी उम्र चाहोगे तो की करेंगे। अंकल जी कहते पुत कदों आवे। मम्मी हसन लग गए, अंकल जी वैसे कहने पुत दस दे कदों आवेंगे तेरी उम्र से। और ये माला वो ये फिर रसोई में होती थी, बैठी बोलती रही थी, खिड़की झाका करती थी, ऐसे ही हंसती रहती थी। यही उसका एक ही, वो आज से आज तक बदला ही नहीं, 96 से ही देखा हुआ, ऐसे ही चलती थी। ठीक है, हर किसी का अपना। मैंने पूछा भी तो कहती सिर्फ आपको देख के तो हंसी आती है। मैंने कहा चलो ये तो और अच्छी बात लगता, आई एम जोकर। प्यारे, जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। देखो गुरबाणी के अंदर भी शब्द आता है एक, किथे तेंडे मापया जिन्नी तू जण्यो, वो सब तेथों लद गए तू अजे भी ना पत्यो। कहां वो है तुम्हारे माता पिता जिन्होंने तुझको जन्म दिया, वो सब चले गए, ऐ जीव तुझे अभी भी संकोच नहीं हो रहा है क्या? शायद कि ये वक्त हम पे भी आएगा। एक बच्चा था, उसकी ये हॉबी थी, हर किसी की अलग अलग होती है, और मेरे को बड़ा शौक है ये बात पूछने का। इनकी बहू आई थी करवा पे, तो मैंने उससे भी पूछा भी तेरी हॉबी क्या है। तो हमारा ये एक शौक है, तो मैंने उसको भी पूछा। तो वो बच्चे का भी एक यही था, उसकी हॉबी क्या थी कि किसी की भी डेड बॉडी जा रही होती थी वो साथ चल पड़ेगा, स्कूल से छुट्टी करके भाग आएगा और वह जाएगा जरूर शमशान तक। माँ बाप उसके बड़े तंग थे इस बात से, ये बच्चे को क्या है पढ़ाई लिखाई छोड़ के अगर पता चले फलाने की डेड बॉडी जा रही है तो वो पढ़ाई छोड़ के स्कूल से छुट्टी लेके भाग आएगा, मेरे को अर्जेंट काम है तो बाद में पता चला वही शमशान से फिर आता। तो उसकी माँ, एक बार उस मोहल्ले में कोई संत आए हुए थे, तो इसकी माँ उनको ले गई वहां पे, बोली इस बच्चे से मैं बड़ी परेशान हूँ, जब भी होता है कि मैं मतलब इसको क्या कर जाए। बोले बात क्या हो गया, कहते पढ़ाई लिखाई काम धंधा, बच्चा काम तो क्या करेगा लेकिन पढ़ाई लिखाई छोड़ के स्कूल से भाग आता है और इसकी ये हॉबी अब चला जाता है डेड बॉडी पे। महात्मा जी को थोड़ा अच्छा भी लगा और थोड़ा अचंबा भी हुआ, क्योंकि बच्चा छोटा था, कोई बड़ा होता तो भी बात थी। महात्मा जी ने उसको बुलाया अपने पास, प्यार से बिठाया, बोले बेटा आखिर आप ऐसे क्यों करते हो, क्या बात है भी ऐसे आप पढ़ाई स्कूल से छुट्टी लेकर भाग आते हो और फिर आप वहां जाते हो। बच्चा पहले तो कुछ उदास हो गया, फिर हंसने लगा अचानक, पहले उदास हो गया फिर हंस भी पड़ा। महात्मा जी ने कहा बेटा आपको हंसने और उदास होने के दोनों ही कारण बता, कुछ क्या बात है। कहता प्रभु मेरे को उदासी इसलिए आई कि यह जीवन कितना क्षण भंगुर है, कुछ भी नहीं पता होता कि अगले स्टेप में ही क्या हो जाना है। और हंसी मुझे इसलिए आई क्योंकि ये मेरी एक जो हैबिट है डेड बॉडी के साथ शमशान तक जाने की, तो मुझे ना
वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो कि स्कूल में नहीं हम सीख पाते, वो वहाँ पे जा मिलता हमको। तो उन्होंने पूछा, और महात्मा जी हैरान, बोले बेटा यह वहाँ पे तुझे क्या शिक्षा मिलती है? कहने लगा, जी वहाँ से मुझे ये शिक्षा मिलती है कि ये देखो, ये जगत इस जगह पर भी आने के बाद भी अपनी हरकतों से नहीं पा जाता। महात्मा जी ने कहा, कैसे? कहते जी मैं देखता हूं, अरे आज ये ने मरना सी, आज मेरी पार्टी मिस हो गई। कोई कह रहा है, अरे जल्दी संस्कार करो, मैं जाना, मैं ब्याह ते जाना है। किसी को फोन आ गया तो वो कहता है कि अरे बस रुक जा भाई, मैं मीटिंग अटेंड करनी है, बस एन फूक के आ रहा। लैंग्वेज ही बदल गई, फूक के आ रहा। ये जगत की सच्चाई। और ये बात, ये और आजकल तो हमें एक और बड़ा वो सुनने देखने को मिलता है। मान लीजिए जो किसी के यहाँ शादी वादी है और कुछ ऐसी घटना घट गई, तो छठे चौमासे ही अपना फटाफट निपटा के उसको माता पिता जो भी है उनको तो करेंगे विदा कि सड़े कार्ड छपे पे। एक आंखों देखी घटना, एक परिवार के अंदर हम भी वहीं थे, वो माता जी का शरीर छूटा तो उन्होंने जो है जब क्रिया होके हटी तो वो कहते हैं भाई जी आप ना उसी हिसाब से ही चलना, क्रिया में तो हम ही गए थे, तो आप उसी हिसाब से चलना क्योंकि आगे शादी है, कार्ड छपे हुए। मैंने कहा उस बंदे ने जिसने अपनी सारी जिंदगी आपको दे दी, उसके लिए आपके पास एक महीना तक सवा महीना तो रुक जाओ, नहीं माने। फिर गृहस्थी लोग जो है संतों को भी ले लेते हैं अपनी लाइन में, हम उनकी लाइन में तो नहीं आते लेकिन हम भी कर क्या सकते हैं भाई, अगर जिसका है वही अपना निपटाने में लगा तो मैं क्या कहूं। और ये बात मुझे नहीं पसंद है, जिसकी शादी थी उसकी क्रिया के कुछ समय के बाद ही जिसकी वो तैयारियां चल रही थी, तो वो अपनी शादी के जो है कपड़े कुपड़े ले, उसकी माँ ने उसको पैसे दे दिए थे, गाड़ी लेके गया था, खुद भी अपनी क्या पहनते हैं शादी में, शेरवानी, हम वो कुछ और ही बागवानी बागवानी समझ रहे थे, तो क्या बोला शेर, तो वो लेना था कपड़े और कोट पोट जो भी था, तो वो ही लेने के लिए चला जा रहा था, उसका बस मत्था घूम गया, घर नहीं आया, और घर नहीं आया वो सीधा निकल गया। अब जो है फास्ट टैग से ये तो पता चलता रहा कि कहाँ कहाँ पहुंचा है, क्योंकि वो आता तो उनके पास ही था कि अब वो टोल पार किया, वो टोल पार किया, वो टोल पार किया, और बाद में वो अंबाले वाला टोल जब उसने पार किया तो उसके बाद से उसने, उसको भी ये दिमाग में आई होगी बात कि जो है ये टोल से मेरे को पीछे मेरी CID कर रहे हैं, तो उसने क्या किया, गाड़ी वहीं पे छोड़ दी, अंबाले पार्किंग में छोड़ दी, और खुद जो है फिर भाई बस निकला, अब करो पीछा कहाँ करोगे, बात कुछ भी नहीं थी, बस घूम गया दिमाग, और वहां से चला गया और उधर से आया, और आकर के जो है फिर वापस इधर वेदांता में पहुंच गया, वहां पे एक होटल में घुस गया, पैसे तो थे, वहां पे कुछ खाया वाया होगा, ड्रिंक इतनी कर ली, और उसी में उसने पॉइजन डाल दिया। और बाद में जब होटल के बंद करने का टाइम आया, तो वो वहीं पर पड़ा रहा, तो वो मैनेजर ने, हॉस्टल के रेस्टोरेंट के मैनेजर ने कहा भाई इसको उठाया जाए, ये कब से बैठा, उसको उठाया तो वो देखा बंदा तो गया, पॉइजन पिया था, वो शरीर नीला हो गया, इसी के शादी के कार्ड के चक्कर में जो है माता को फटाफट विदा किया था, शादी भी नहीं हुई, ये भी विदा हो गया। हम लोग अपने हिसाब से, ये कलयुग के अंदर आगे आगे और भी माहौल बिगड़ने वाला है, लेकिन ये है ना प्यारे, कम से कम भी नहीं तो 6 महीने तो बंदे को दे ही देने चाहिए, ज्यादा नहीं, 6 महीने में बरसी कर लो, लेकिन 6 महीने का टाइम तो दे ही देना चाहिए। पर आजकल किसी से कहना बेकार है, वही करेंगे जो दस्तियों ने सोच रखा, तो नहीं सुनता कोई। वो बंदा जिसने अपनी पूरी जिंदगी आपको दे दी, उसके लिए हमारे पास 6 महीने का टाइम थी, अभी तो फिर भी चलो चलता है, फिर दोबारा जब हमें पता चला, फिर जब हम
पूरा ही तरह हम वहां पहुंचे तो पता चला कि जो है, मैंने कहा अब इनको टाइम पूरा देना। कहती नहीं भाई जी, हमने उस समय आपकी बात को ना मान के गलती की है, अब आप जब तक कहोगे हम भले उसके और 2 महीने बाद ही करेंगे, तीसरे बेटे की शादी होनी। तो मैंने खुशी तो आ जाएगी, आज नहीं आएगी तो कल आएगी, लेकिन ये जो दिन है ना, अंकल जी का जीवन भी बड़ा मस्त था, वो वाले अंकल जी या इनके वाले अंकल जी, रक्षा आंटी वाले, तो इनको बहुत अच्छे तरह से देखा, लेकिन ये है यादें रह जाती हैं पीछे, और यादों के साथ साथ ही बंदा रह जाता है। किसी ने किसी महात्मा जी से पूछा कि महाराज मुझे ना एक बात पता करनी है, हमारे पिता शरीर छोड़ गए हैं और मुझको ना ये पता करना है कि वो स्वर्ग में गए या नरक में गए, हमें कैसे पता चलेगा। महात्मा जी बोले सिंपल सी बात है, तुम ऐसे करो, एक तो अपना थोड़ा सा भेष बदल देना, भेष बदल के जो है जो लोग तुमको जानते हैं या उनको जानते थे अंकल को, उनके मिलने वालों के पास जाओ, पर तेरा रूप बदला होना चाहिए, और जाके सबसे पता करना कि ये जो खत्म हुए हैं इनका स्वभाव कैसा था। अगर तो कोई ये बात, सब लोग यही बात कहे कि वो बंदा बड़ा सज्जन था, बहुत अच्छा था, वो ऐसा तो समझना बस सच खंड। और अगर लोग कह गए अच्छा ये मर गया, ऐसे था, फलाना था, दिमाग का था, तो समझना वो बिल्कुल कुंभी पाक नरक में पड़ा हुआ है, क्योंकि किया कराया जो भी है हम यही सोचते रहते हैं। अरे देखो हम बैठे थे, देखो हमारा किसी ने हमारी खबर ही नहीं ली, हमें हमारा हाल ही नहीं पूछा, लेकिन एक बड़ी अच्छा सा कोटेशन है, कोई अगर आपकी खबर ना ले तो चिंता मत करना, क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग के जीव खबर लेने वाले नहीं होते हैं, ये खबर फैलाने वाले होते हैं, होता क्या नहीं, जैसे कोई नहीं पूछेगा, वैसे सबसे ताजा अखबारें हैं महिला समाज, जो खबर कहीं नहीं पहुंच सकती वो महिला, एक किसी एक को बता दो, देखो ये मोहल्ला पूरा तो जान जाएगा, फिर मोहल्ले से दूसरा मोहल्ला, दूसरे से तीसरा मोहल्ला, और तीसरे मोहल्ले से धीरे धीरे पूरे नगर में फैल जाती है। ताजा प्रेस अखबार है प्यारे, हमें ये नहीं सोचना कि हाँ हमारा को कोई पूछता नहीं है कुछ, और ये अंकल जी में खूबी थी, उनको ऐसा कुछ भी नहीं, हालांकि मम्मी कई बार क्या देते थे, अरे भाई जी मेरा हाल भी नहीं पूछिया, पर अंकल जी और उल्टा हमसे पूछते थे, पर ठीक हो और ठीक ठाक सब बढ़िया प्यारे, एक यादें रह जाती हैं, एक यही सब है, विचार अच्छे विचार। आज हम सवेरे बता रहे थे, अभी दोपहर को ये भैया लोग भी बैठे हुए ऐसे, मैंने कहा देखो बड़े लोगों की कुछ एक बताने का तरीका ऐसा होता है कि वो याद एकदम से हमारे अंदर फिट हो जाती है, और वो फिर जिंदगी खत्म हो जाएगी और वो याद खत्म नहीं होगी। स्वामी जी है ना, इनके एक बड़े भाई थे, वो भी संती थे, तो ऐसे संगम बिहार की बात है, हम जब झंडा बनाते थे तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि वो लंबा कितना होना, कंफ्यूजिंग थी थोड़ी सी, वहीं पे हम बैठे थे तो उन्होंने देख लिया, तो स्वामी जी बोले भाई जी किस चिंता में हो। मैंने कहा स्वामी जी मुझे ना इसकी लेंथ में हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, कितना लंबा रखना। स्वामी जी बोले एक सिंपल सा तरीका बताऊं। मैंने कहा हां जी बताएं। कहते सिंपल सी बात है, जो इतनी झंडे की लंबाई होती है उतनी लंबाई हो कि वो तुम्हारी नीचे से जहां पे डंडा डालते हो वहां तक पहुंच जाए, ऐसा खोपड़े में बैठे आज हम झंडे सबसे बढ़िया बना देंगे एक ही साइज के। दूसरा जो स्वास्तिक बनाते हैं उसमें हमें कंफ्यूजिंग हो जाती थी, कई बारी क्या मोस्टली कई बन जाना, बनाना है ऐसे बना देते थे ऐसे,
और फिर देखते थे भी देखने में कुछ गड़बड़ लग रही है, फिर मिटा भी देना, फिर बनाना, फिर गड़बड़ हो जानी। बड़ा ये कंफ्यूजिंग थी। तो एक भगत जी आते थे, भैया बैठे इनकी तरह संतरा की, वो मेरे से कहते हैं भाई जी अब क्यों परेशान है, एक सीधा सा फार्मूला ऐसे लिखते हैं ना, पर वो थोड़ा गोलाई में होता है, आप उसी एस को ऐसे डंडियों में लिख दो, इधर से भी और इधर से, दोनों तरफ से एस बनेगा आपका साथी, ऐसे बीच में बिंदी डाल देना, ऊपर से कोने निकाल देना, हो गया काम, अब हम बढ़िया बन जाता साथी। कई बार बुजुर्ग बड़े लोग कुछ इस ढंग से, संत राम जी तो पता नहीं अभी होएंगे, बात नहीं हो पाई काफी समय से, लेकिन बड़े स्वामी जी तो एक छाप छोड़ गए, झंडा नहीं अब मेरा छोटा बड़ा होने वाला, झंडा बिल्कुल फिट रहेगा। इनकी सासू माँ रक्षा आंटी हमारे बीच में गिरते पड़ते बहुत थे, जब भी होना पलंग से गिर जाना, खोपड़ी नारियल फूट जाना। कई बार ऐसे हुआ, ये माता आई सत्संग में, माता बोली भाई जी हूं की होया, मैं कह जी गिर गई सी तो बेड तो, कहते भाई जी एक गल दसा, मैं क्या हां जी, कहते मैं भी बड़ा डिगदी हूं, कहते मैं भी बड़ा डिगदी हूं, पर मैं बेड तो नहीं देख सकती हूं, एक मैं तरीका सोचा। मैंने कहा आंटी मैं भी दस दो, कहते जो भी तुम बेड से बैठन लगो, मैं आपको भी बता दे रहे मेरी माँ का फार्मूला, कंफ्यूजिंग नहीं होगी कभी भी, कहता जब भी मैं बेड से बैठन लग दिया या लेटन लग दिया तो मैं खुद नहीं बहनती, मैं पहले हाथों में बैठानी है और देखनी है बेड की हद कितों तक है, यदि हद कितों हो रही है तो बेड की हद कितों तक है। तो कहते मैं फिर, और अभी परसों फिर हम गिरते और देखा कि वो, अरे मैं कहा तो बेड ही खत्म, चल घर की पीछे खूब सवेरे सवेरे 5 बजे का टाइम था, नहानू तक बैठने जा रहे थे, जब तो स्ट्रीट लाइट जल रही है तो कोई बात नहीं, उसमें बंद हो गई थी, अंधेरा था तो वो एक तरह से घुप गहरा ही हो जाता है, बच गए आज आंटी जी जैसे दन जहां भी हो। तो एकदम से पता चला कि वहीं पर एकदम से, आगे तो सराहना खत्म था, आगे तो सराहने का भी बॉर्डर था, तो हमने इधर से बैठना था। बड़ों की बातें काम आती है ना, आप भी ध्यान रखना, कभी भी बैठना पहले खुद मत बैठना, पहले अपने हाथों को बैठाना, वहां से सीमा देख लेना कहां तक है तुम्हारे बेड की, उसके बाद बैठना, कभी धोखा नहीं मिलेगा, नहीं परसों ही बचे हम। ऐसे ही प्यारे बड़ों के तरीके आजकल तो बड़ों को पूछता ही, एक गूगल मामा ने बेड़ा गर्क कर रखा है, कुछ नहीं। घर के अंदर अगर 6 मेंबर बैठे हैं, 6 के 6 अपना अपना फोन खोल के बैठे हुए, किसी को ये नहीं पता हमारे पड़ोस में क्या है। वीडियो बहुत आती है, माँ ने बच्चे को दूध पिलाना है, बोतल जब पति के मुंह में लगा दिया और खुद फोन पे लगी, वो भी ज्यादा सोच रहा मैं, और बच्चा मुंह देख रहा मैं कहां जाऊं। एक किसी का बच्चा हुआ, वहीं पे थी वो हॉस्पिटल में ही, बेहोश थी, जैसे ही उठी तो वो दाएं बाएं देखने लग गई एकदम से, तो सिस्टर आई दौड़ के, सिस्टर को लगा भी पता नहीं बच्चे को देख लिया, तो वो ये कहने लगे बच्चे को ना नहलाने को साफ ऑफ करके लेके आएगी सिस्टर दूसरी, तो वहां लेके गए हैं। कहती अच्छा वो अपने बता दिया, मैं तो वैसे ना अपना मोबाइल ढूंढ रही थी। क्या है ये, कुछ नहीं समझ में आती है। आज के वक्त इतना अजीबो गरीब हो चुका है ना, हद से भी ज्यादा, और वो उस छोटे से बच्चे की देखो जो स्कूल से जाता है, कहता है बाबा जी मैं तो देखता हूँ कि हाँ मतलब इसको अफसोस है ना किसी को नहीं। तो एक वक्त आता था कि वहां पर वो जगह एक ऐसी है कि वहां पे तो एक बार तो मन के अंदर की प्रामता ही आ जाती है। जब रावण का वो हुआ था सब कुछ है, तो विभीषण जी आए वापस राम जी के पास, तो राम जी से कहने लगे प्रभु इतना सब कुछ हो गया, इतना सब कुछ हो गया, सब मरकप गए हैं, अब किसका मन करेगा सिंहासन पे बैठने को। भगवान राम ने कहा कि ऐसा है विभीषण जी आप जाइए, ये जो इस समय आपको वैराग उठा हुआ है ना, इसको बोलते हैं शमशान वैराग, मैं तेर नहीं होने दो, उसके बाद में सब काम।
हो जाएगा सर। और वही फिर उसके बाद विभीषण जी ने कितना किया, तो आज तो वो भी नहीं रहा। वही पे शमशान बैराग क्या होना, वहां पर भी जो है सब अपना हिसाब किताब चल रहा है। कुछ है हिसाब किताब कि कलयुग के अंदर तो बिल्कुल ही ढसरा बिगड़ा पड़ा, और अभी तो कुछ भी नहीं आगे आने। सोचो ये वक्त ऐसा है जब हमारी जो संतानें हैं इनका वक्त तो कैसा होगा, और उनकी जो संतानें होंगी, माँ तो बिल्कुल काम नहीं करती। आज हम फिर भी चलो थोड़ा सा बच्चों को समझा सकते हैं, समझा सकते हैं बच्चों को, कोई नहीं मानते हैं देर सवेर प्यार से कैसे कैसे समझा लोगे, आगे जब उनके बच्चे आएंगे वो नहीं सुनेंगे, उनके बच्चों की तो ईश्वर मालूम है ना प्यारे। ये दुख वाला तो बहुत हो गया, अब थोड़ा सा खुशी की तरफ को भी चलते हैं। आज ये बिटिया बैठी है जो ऐसे ऐसे करके झांक रही है, माला रानी, आज इसका हैप्पी वाला बर्थडे भी है भाई। श्री गुरु महाराज जी अपना प्यार बख्शे, अपना आशीर्वाद बख्शे, और सब पूरे परिवार को, दोनों भाई ऊपर नीचे और एक तीसरा उधर भी है, सबको चढ़ती कला में रखें, और ये हमारे अंकल जी की ये खिलती फुलवाड़ी हमेशा खिलती रहे और सदा सदा खुशियों से भरी रहे। इसी के साथ ही वाणी को विराम देंगे। बोल जयकारा, बोल महाराज की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, नंगी निवासी हनुमान की जय, दयालु परमहंस दयाल जी महाराज की जय, भक्त भक्त वासी हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।